गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करा था कैसे निकालते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इफ हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू विल आल्सो वेरी। ठीक है, चलिए, दिस इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, केसी डज नॉट डिपेंड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर। नाउ व्हाट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, अभी इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होती है कि अगर मैंने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करी है, लाइक सपोज हमने एक वेसल लिया और उसके अंदर हमने रिएक्टेंट्स जस्ट एड अप करे, ठीक है, हमने अभी रिएक्शन स्टार्ट करी है, तो उस टाइम पे जो आप रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन जो आप उसके अंदर डाल रहे हो आपके रिएक्शन वेसल के अंदर, वो हमारा क्या हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी जो स्टार्टिंग वाली कंसेंट्रेशन है आपकी, उस पर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्लियर वन। मतलब कि क्या, लाइक सपोज फॉर हमारे पास एक रिएक्शन है N2+3H2 विल गिव 2NH3, दिस इज आवर रिएक्शन। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। ठीक, अगर हम लोगों ने ये रिएक्शन रिवर्स कर दी, यानी हम लोगों ने ऐसे ही दिख दिया इसको, 2NH3 विल गिव N2+3H2, इफ वी हैव रिटन लाइक दिस, देन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मेंशन करूं केसी डैश से, तो केसी डैश विल बी इक्वल टू 1/KC। ठीक है, केसी डैश क्या हो जाएगा, 1/KC। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें लिख लीजिए आप, नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ठीक, चलो अब आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। तो हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, फर्स्ट कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू सेम रहेगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, सेकेंड, केसी इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पर भी क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो केसी होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्लियर केसी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स, नहीं रूल्स से पहले एक काम करते हैं, पहले वो पढ़ते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, सेम फेस, एंड हेट्रोजीनियस
डिफरेंट फील्ड। ये शायद वीडियो ऊपर से थोड़ी सी कट हो गई, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये तो दिख रहा है होमोजीनियस, ये नहीं दिख रहा है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक। हेट्रोजीनियस का मींस क्या होता है, डिफरेंट फेज, एंड होमोजीनियस का मींस क्या होता है, सेम फेज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन हो, H2 विच इज गैस प्लस I2 विच इज ऑल्सो गैस विल गिव 2HI इज ऑल्सो गैस। अब यहाँ पे क्या है, सारे फेजेस क्या है, ऑल दी फेजेस आर सेम, सारे फेजेस क्या है, मेरे पास गैसियस फेज है, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन हो जाएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वाला, विच इज होमोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉलिड, ये डीकम्पोज हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो सॉलिड एंड CO2 विच इज गैस, ठीक। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो सॉलिड फेज भी है, गैस फेज भी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फेजेस, तो दिस रिएक्शन इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया शो कर रही है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं रूल्स की, ठीक, कि कैसे निकालने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तो क्या रूल्स हैं। केसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स, क्या रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड, प्योर सॉलिड कंसेंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, ठीक। अगर हमारे पास कोई प्योर सॉलिड है रिएक्शन के अंदर, तो उसकी कंसेंट्रेशन को हम वन कंसिडर करेंगे, यानी यूनिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। लाइक व्हाट वी हैव, हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, रिवर्सिबल रिएक्शन विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉलिड, CO2 मिलेगा, दैट विल बी गैस, ठीक। अब इस रिएक्शन के लिए इफ वी हैव टू राइट KC, तो हम क्या लिखेंगे, KC क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्टोशियोमेट्री क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की वन, फिर और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, CO2 भी स्टोशियोमेट्री इज वन, ठीक, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोशियोमेट्री, रिएक्टेंट व्हाट वी हैव इज CaCO3 की पावर ऑल्सो वन, ठीक। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, और सॉलिड की कंसेंट्रेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, यूनिटी, तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, ठीक। तो वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 रेज टू दी पावर वन एंड ऑल्सो वन, ठीक। तो मैं ये कह सकती हूँ कि KC इस केस पे किसकी कंसेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, CO2 की कंसेंट्रेशन के, ठीक। इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लो साथ में और इस रूल को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें किसकी, प्योर लिक्विड की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड के केस में, अच्छा प्योर लिक्विड हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं, ठीक, ये हमारा होता है एक्वस, दोनों ही फर्क है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक्वस सजेस्ट कि वी हैव डिजोल्व्ड आवर कंपाउंड इन वाटर, ठीक है। एक्वस क्या है कि हमने हमारा जो भी कंपाउंड है उसको हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया है, ठीक। तो वो क्या है, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस स्टेट, डिजोल्व स्टेट में। और प्योर लिक्विड का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनली लिक्विड ही है, ठीक। लाइक कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, हेक्सेन वगैरह, वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक्वस वालों को वन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम वन कंसिडर नहीं करेंगे, प्योर लिक्विड कंसिडर एज यूनिटी, ओके। चलिए फॉर एग्जाम्पल सिंपल रिएक्शन हुई,
एच टू प्लस ओ टू विल गिव टू एच टू. तो एक काम करें, यहां पर इसको बैलेंस कर दें तो इट विल बिकम टू एच टू. ठीक, बैलेंस कर दें रिएक्शन. अब केसी लिखेंगे अगर हम इसका, तो केसी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टोशियोमेट्री. प्रोडक्ट इज व्हाट, एच टू ओ रेज टू द पावर टू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द स्टोशियोमेट्री. रिएक्टेंट्स कौन है, एच टू की पावर टू एंड ओ टू की पावर इज ऑल्सो वन. ठीक, चलिए अब यहाँ पे एच टू ओ क्या है, लिक्विड, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन का वन हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बिकम वन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू रेज टू द पावर टू इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू. ठीक, तो इसका केसी क्या हो जाएगा, हमारे पास केसी विल बी वन अपॉन एच टू का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इन टू ओ टू. सही है, इसको भी नोट कर, इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से. सो या वी आर हैविंग अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 7.1. ठीक, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. हम लोग क्या कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं किससे, एन टू और एच टू से. ठीक, रिएक्शन हमें याद है, लिख ले रिएक्शन, एन टू प्लस थ्री एच टू विल गिव अमोनिया. दिस इज अ रिएक्शन. आगे यहां पर हमें कंसेंट्रेशन गिवन है, देखो एन टू की कंसेंट्रेशन, एच टू की कंसेंट्रेशन, अमोनिया की कंसेंट्रेशन, इन्हें भी नोट डाउन कर लेते, गिवन सारा लिख लेंगे. कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर. कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर. एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 is 1.2 into 10 की पावर माइनस 2 मोलर. कंसेंट्रेशन मिल गई हमको. ठीक, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस वी हैव टू कैलकुलेट केसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केसी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं. अच्छा, एक बात रह गई बताने के लिए, केसी की यूनिट वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. ठीक है, केसी की कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट वेरी करती रहती है, तो यूनिट बहुत ध्यान से निकालेंगे जब भी करेंगे. चलिए, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी NH3 का कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोशियोमेट्री यानी 2 अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन, N2 का कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, H2 का कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 3. ठीक, वैल्यूज पुट कर दे बस. NH3 का कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन N2 इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एंड H2 इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ओके, एक काम और करते हैं, इसके साथ में मोलर भी लगा देते हैं. ठीक है, तो ये m और m क्या हो गए,
टेन स्क्वायर, सही। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगी 1.06 इंटू 10 की पावर 3। अब यूनिट कैसे लोगे, 1/m² है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ m की पावर माइनस 2, ठीक। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, दिस इज आवर केसी, ठीक। चलिए मिलते हैं कल।